इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले आप ने ठोका दावा, कहा अरविंद केजरीवाल हो पीएम कैंडिडेट। गोपाल राय बोले हर पार्टी चाहती है उनका बेटा पीएम बने। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का हमला, बीजेपी बोली जेल जाने से घबराए हुए हैं केजरीवाल। मनीष सिसोदिया को आज तक नहीं मिली बेल। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विपक्षी गठबंधन पर बोला हमला, कहा देश की ईमानदार सरकार से घमंडिया परेशान है, 303 से ज्यादा सीटें जीतेगी एनडीए। राहुल के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया का पलटवार, कहा चीन के साथ उनकी पार्टी ने जो समझौता किया उसे सार्वजनिक कर दें, कहा सेना का मनोबल तोड़ने के लिए राहुल देते हैं ऐसे बयान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, बोले लद्दाख में चीन ने हड़पी जमीन, पीएम मोदी ने बोला झूठ, प्रधानमंत्री को अब देना चाहिए बयान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हो सकते हैं विपक्ष के इंडिया गठबंधन के संयोजक, सूत्रों के हवाले से खबर है। सभी पार्टी के नेताओं पर का खड़गे के नाम पर समर्थन, खड़गे संयोजक बनाए जाने की खबर पर बोले बीजेपी नेता सुशील मोदी, कहा खड़गे को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, मोदी के सामने टिक नहीं पाएंगे। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान, कहा मुंबई की बैठक में इंडिया गठबंधन के लोगों और झंडे का होगा ऐलान। सीतापुर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मुंबई बैठक से पहले बड़ा दावा, कहा 2024 में सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी इंडिया गठबंधन। बीएसपी अकेले लड़ेगी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, इंडिया गठबंधन और एनडीए को बताया जातिवादी सांप्रदायिक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बीजेपी सांसदों के साथ वर्चुअल मीटिंग, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर चर्चा। बिहार के स्कूलों में छुट्टी में कटौती पर सियासी संग्राम, बिहार सरकार पर बीजेपी का वार, सितंबर से दिसंबर तक 23 से घटाकर की गई 11 छुट्टियां। बिहार में छुट्टियों पर सियासी घमासान बढ़ा, आरजेडी बोली अधिकारी तय नहीं कर सकते हैं छुट्टी, यह अधिकार सिर्फ सरकार के पास। बिहार के स्कूलों में छुट्टी कम करने पर राजनीति बढ़ी, गिरिराज सिंह का तंज, बिहार में लागू हो सकता है शरिया कानून। बिहार के सरकारी स्कूल की छुट्टी पर बीजेपी का हमला, कहा सम्राट चौधरी ने यह कहा है कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर पहुंच गए नीतीश कुमार। आज से 200 रुपए तक सस्ता हुआ रसोई गैस का सिलेंडर, उज्ज्वला योजना वाले सिलेंडर अब 400 रुपए सस्ते, साथ ही सस्ते सिलेंडर पर तेज हुई सियासत। ओवैसी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा G20 के लिए करोड़ों खर्च कर रही है सरकार, यही पैसा गैस सब्सिडी में दिया जाता तो 300 रुपए में मिलता गैस सिलेंडर। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज, ट्वीट कर झूठी जानकारी फैलाने का आरोप, बजरंग दल ने की शिकायत। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज, कैबिनेट मंत्री गोपाल राय बोले जोर शोर से चल रहा है काम, एक्शन प्लान के तहत जारी है काम। देश के कई हिस्सों में आज भी मनाया जा रहा रक्षाबंधन, बाजार में चंद्रयान 3 के राखी की धूम, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले कल नहीं है रक्षाबंधन का मुहूर्त। दिल्ली में स्कूली छात्राओं ने प्रधानमंत्री मोदी को बांधी राखी, पीएम की तस्वीर वाली राखी लेकर आई थी छात्राएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की बहनों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, कहा माताओं बहनों की खुशहाली के लिए दिन रात करता हूं काम। जम्मू कश्मीर के उरी में देश के रक्षा कर रहे जवानों को बांधी गई राखी, स्थानीय महिलाओं ने सेना के जवानों के साथ मनाया त्यौहार। फिल्म जवान की रिलीज से पहले मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे सुपरस्टार शाहरुख खान, श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के बीच करेंगे फिल्म का प्रमोशन। दिल्ली के भजनपुरा मर्डर में माया गैंग का हाथ होने का शक, पुलिस के मुताबिक माया गैंग का हरमीत और गोविंद से झगड़ा हुआ था, कल रात 5 बदमाशों ने हरमीत की हत्या को दिया। गाजियाबाद में चैंबर में घुसकर वकील की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, हत्यारों का अब तक सुराग नहीं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर रॉन्ग साइड दौड़ता नजर आया गैस सिलेंडर से भरा ट्रक, ट्रैफिक पुलिस ने लिया संज्ञान। एएमयू के स्टाफ क्लब में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एएमयू के पूर्व वाइस चांसलर की नेम प्लेट तोड़ी, टीचर्स एसोसिएशन को नोटिस किया जारी। राजस्थान के नागौर में गाड़ी से कुचलकर डबल मर्डर को दिया गया अंजाम, बाइक सवार युवकों में से तीसरा युवक घायल, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। बिहार के गया में स्मार्ट क्लास में लगी स्क्रीन पर चले भोजपुरी गाने, स्कूल ड्रेस में थिरकते दिखे छात्र। असम के मोरी गांव में घुसा बाढ़ का पानी, हजारों लोग प्रभावित, घरों को छोड़ने को मजबूर हुए ग्रामीण। यूपी के लखीमपुर खीरी में झमाझम बारिश ने फिर बढ़ाई है लोगों की मुश्किल, हर जगह पानी भर जाने से आम जनजीवन प्रभावित। यूपी के बस्ती में बढ़ा है कटान, खतरे के चलते किसान ने मजबूरन खुद अपने हाथ से तोड़ा अपना आशियाना।